तो आज है मेरा मुकलावा। तुमने नीचे नहीं आना, हमारे स्पेशल नाश्ता तुम्हारी मर्जी का रेडी हो रहा है। आज की मेरी डिमांड मेरी अपनी बहन से है। उधर देख तो। सारे मेरी फैमिली आ चुकी है यहाँ पे। और तो इसलिए खाना है कि हमारा ना खराब करें। कॉफी की जरूरत है, मम्मा को पतले होने के लिए रिश्ती काफी है। और आज के मेरे दिन का आगाज हुआ है मेरे अपने जाती मतलब वो भी मेरा ही कमरा है, लेकिन इस कमरे से मैंने अपना इंट्रो स्टार्ट किया जहाँ पे मैंने सिस्ट्रोलॉजी को स्टार्ट किया था, जहाँ से मैं अपना अपने सब्सक्राइबर्स के साथ जर्नी लेकर चली थी, जहाँ से मैं अपने पेरेंट्स के साथ अपनी बहन भाइयों की यादों के साथ चली थी। खैर जिंदगी का टर्निंग पॉइंट आ चुका है, हर लड़की की जिंदगी में आता है, अल्लाह पाक हर लड़की के नसीब अच्छे करे। मेरे लिए भी आप लोगों ने खुसूसी दुआ करनी है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे सारे अल्हम्दुलिल्लाह इवेंट्स बहुत अच्छे हो गए हैं, बहुत से लोगों ने दुआएं की हैं, बहुत से लोगों का प्यार था और सब लोग इकट्ठे होने का जो सब लोगों को रिलेटिव्स को मौका मिला वो भी मेरी शादी थी और मुझे बहुत मजा आया एंड मैंने अपने शादी का हर इवेंट बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो आज है मेरा मुकलावा जिसमें मेरे ससुराल वाले मुझे लेने के लिए आएंगे क्योंकि कल वलीमे के बाद हम लोग जो है वो घर आ गए थे मैं और अरी, और हम लोग यहाँ पे काफी देर मतलब हमारा टाइम स्पेंड हुआ यहाँ पे, अब हमने निकलना है और मुझे होना है रेडी अपने मुकलावे के लिए। व्हाट शुड आई वेयर, अरीब से मैंने पूछा मैं क्या पहनना, नहीं साइड किया लिख रहा आज काला जोड़ा पास साड़ी फरमाइश था, तो आज वही जोड़ा पहने लगी। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने कपड़े शपड़े निकाल के रखे हैं, ये मैंने जूता निकाला है अपने लिए, ये मैंने ड्रेस निकाला है, ठीक है वेलवेट का, साथ में ये सेट है ये इसके साथ जो कि मैच हो रहा है, तो ये मेरी लुक है और रेडी। आपको पता है कि मैं तैयार होने लगूंगी तो वो थोड़ा सा मैंने कहा शादी के दिनों में तो खुद सुकून करते हैं और सैलून जाके तैयार होते हैं, तो अभी मैंने फिलहाल बाल बाल वॉश करने थे लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, ये भी मैं वहीं जाके वॉश करवाऊंगी, सैलून जाऊंगी क्योंकि बालों में काफी जो है ना वो इतना टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे कुछ और करने का अपनी केयर करने का, लेकिन बीच बीच में मैं करते जा रही हूँ। और ये लोग पूछ रहे हैं आपकी नोज पे क्या वाली, गाइस जो मैंने बारात पे जिंदगी में पहली बार नोज पिन पहनी थी उसकी वजह से यहाँ पे जख्म हो गया, तो ये रिकवर होने में टाइम लगेगा इसीलिए ये ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी हम लोग चलते हैं नीचे और जाके करते हैं मम्मी अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मेरे हस्बैंड साहब ने स्पेशल फरमाइश की थी कि करा चूड़ियां भी पहनना आज, तो मैं भाई कांच की चूड़ियां भी पहनूंगी। गुड मॉर्निंग। कुछ भी नहीं बदला, तुम लोगों ने पर्दे नहीं पीछे किए यार। अच्छा मैं क्या कह रही हूँ, तुमने नीचे नहीं आना, हमारे स्पेशल नाश्ता तुम्हारी मर्जी का रेडी हो रहा है। सीरियसली मेरी मर्जी का? जैसा तुमने कहा था मुझे लाइट सा खाना, ज्यादा नहीं खाना, लेकिन नाश्ता स्पेशल आज नाश्ता तुम्हारा जिंदगी में पहली दफा मैं लेके आऊँ। मेरी बहन मेरे लिए नाश्ता प्लान कर रही है यार, मुझे ऊपर नहीं, मैं तब तक क्या करूंगी, मुझे भूख लगी है। रेडी हो जाओ, मेरा अपना ही घर है, मुझे ही तुम आने से रोक रही हो। रेडी हो जाओ, तुम्हारे इन लॉज ने तुम्हें लेने आना है आज। मैंने सैलून जाके रेडी, बस रेडी हो जाओ, अपने कपड़े शपड़े निकालो, तुम नेक्स्ट नाश्ता। तुम्हारी चोट नहीं ठीक हुई अभी तक? मैं भी लगी। गाइस ज्वेलरी इतनी अच्छी होती है, बट ज्वेलरी से ना आपको जब आप ज्यादा टाइम पहनते हैं ना तो वो हो ही जाता है। और हम लोगों ने कोई 8-10 घंटे पहनी है। अब मुझे दर्द होती रही, मैं चाहती तभी उतार देती हूँ। हाँ। उसके नीचे से कुंडी निकली हुई थी, मुझे चाहिए था उसको फोल्ड कर लेती। फोल्ड कर लेती हाँ। मुझे फिलहाल आने नहीं दिया जा रहा नीचे, ये क्या सीन है यार, मैं तो सैलून के लिए लेट हो रहा हूँ। बहनों के भी छोटे छोटे अरमान होते हैं, छोटे छोटे दिल होते हैं, अब भी तो वक्त है सेवा कराने का, अभी नहीं कराऊंगी तो कब कराऊंगी। तो अरीब साहब ऑलरेडी पहले जाके नीचे बैठे हुए, मुझे पता लगता है कि अरीब को भी बोलेगी कि आप जाके ऊपर बैठे। ने मुझे मना तो किया कि नीचे नहीं आना, मगर मैं भी ऐसी हूँ कि मैं नीचे जाके देखूंगी कि आखिर एक्चुअल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं नीचे आ रही हूँ, आप गई हो कुछ शर्म आती है? बहुत। क्या टाइम हुआ है? 3:55 चार बजे उठी हूँ मैं, उठ के अकेला बोर हो के थक गया, फिर आंटी ने मुझे कंपनी दी, फिर मैं नीचे था, मुझे डर गया ऊपर जाया। नहीं चले नीचे चलते हैं। क्यों? नाश्ता हमारे लिए स्पेशल नाश्ता बना रहे हो? कहीं ऊपर जाए, मैंने आपको दिखाना क्या बन मैं तो देखो। लेकिन उसमें से पूछा चीजें वगैरह, आप क्या स्पेशल करेंगे? मैंने कहा जो आपको अच्छा लगता है। मैंने कहा आंटी का साग खिला दो मुझे आज, आई अल्लाह, पराठे के साथ, मक्खन के साथ। वो चला जो चले देखते हैं यार। लाइन इन्होंने क्या तैयार किया हुआ यार, नीचे नहीं
आई मैं तुम्हें नहीं देख रही मुझे कुछ नहीं दिख रहा यार मैं देख ही नहीं रही हूँ मैं अपने कैमरे में देख रही हूँ खुशबू आ रही है मुझे मुझे तो साकी भी आ रही है ये देखे अरीब इन्होंने तो यहाँ पे सेल लगाई भी आपको ज्वेलरी पसंद है शादी की ज्वेलरी है यहाँ पड़ी हुई हाँ देख रहे हैं चेक चेक शादी हुई है इस घर में शादी वाला घर है यार ये हमारे पैकेट है कुछ गिफ्ट पैकेट वो आगे लेके जाने हैं हाँ जी ओए ये इन्होंने बांटे नहीं ये भूल गए फिर भूल गए बांट दो हाँ जो हमारी शादी में थ्रू आउट द जर्नी जिन्होंने हमारा साथ दिया वो कैसे बांटेंगे गिव मी आइडिया यार आई कैन सेंड ये मुझे भी नहीं पता कैसे बांटेंगे इसके साथ कुछ और गुडीज ऐड करो और सबके एड्रेसेस मंगवाओ और सबको डिलीवर करो वो एड्रेसेस तुम मंगवाना और मैं भेज दूंगी सबसे मुश्किल काम करने को कह रही है लोगों के क्या कमेंट आ रहे थे कि हम ऐसे लग रहे हैं हम भी आपकी शादी में ही आए हैं हाँ। लगा लगा के देख रहे थे अल्लाह मुझे ऐसे वाकई में फीलिंग आई थी जब मैं अपने व्लॉग्स डालती थी लोगों की दुआएं आ रही होती थी ना मुझे लग रहा था कितने लोग हैं जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं यार हीरा मैंने सलोन जाना तुम्हारे इस सरप्राइज के चक्रों में ना मैं लेट हो जाऊंगी नाश्ता खिलाई करनी है मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हें मारूंगी पकड़ के कितनी वॉलेट साथ लेके आइएगा अपने हाथों से जो है वो भाई टेबल साग पराठा जूस अंडे अचार से डांट पड़ी है ये केले उससे उतारने की मैं कहती हूँ इन्होंने खा देना दे तू जाया कर मेरी मम्मा खाने हैं ठीक है मैं खा लूंगा मेरी मम्मा कोई बात ही रख देते हैं खाना ना खाना इज अनदर थिंग हम करते हैं जी नाश्ता लेकिन वेयर इज माय मम्मी मम्मी हमारे पराठे बनाए मुर्क ने और तुम्हें पता तुम्हारा पराठा हल्का सा फटा है फटा ना आज फटा ना तो मैं कहूँ आज क्या कहें मम्मी नाश्ता मम्मी नाश्ता बाकी बहने कहाँ पे हैं बाकी बहने सोई हुई हैं बाकी बहनों को भी नाश्ता ला के दे अरीब वैसे अगर इसको नाश्ता नहीं जो बड़ी बहन है ना घर की अब वो सारा संभाल रही है मैं आपसे कोई डिमांड नहीं करूंगी व्हाट एवर यू लाइक इथे रखते हो इकरा मेरा पर्स कहाँ है अरीब का अकाउंट आज से मैं हैंडल कर रही हूँ अरीब भाई से नहीं है आज की मेरी डिमांड मेरी अपनी बहन से है उधर देख तो ओके तुम्हें मैं दूंगी ठीक है बस इसके बाद दूंगी क्या दो अभी दो अभी नहीं है पैसे पहले खाना कितना डिमांड बोलो एक बात बता दो कि ये फिक्स है वो देगी करा बस जानना आज बोलो बोलो 40 लाख यार ये क्या है ये पकड़ लिया यार अरे यार कुछ भी 2 रुपए भी दोगी आई विल एक्सेप्ट बट देने चलो 10,000 दे रही ओए होए होए 10,000 की से भी ज्यादा कीमत है क्योंकि मेरी माँ के हाथ का बना पराठा और वो है को खिलाना है ओके शुरू करो बिस्मिल्लाह आप के बाल इस टाइम फटे पुराने में मैंने जाना सलोन यार इसलिए डन डन यम और जो भी हो अम्मा का साग तो कोई वो नहीं कर सकता साग का कोई कलर नहीं वो मिलेगा अब एक बाइट पे आप की बारी बिस्मिल्लाह चीटिंग चीटिंग लो जी पॉंकी पिंकी पॉंकी अरीब ने दिया मुझको तो अब फाइनली खाना खिला दो भाई एक दूसरे को अब खाते हैं स्कूल से नाश्ता जी जी चले गाइस मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया था बाल चाल मेरे उजड़े पड़े हैं जाते हैं सलोन तो तैयार होके आते हैं मम्मी बाय बाय मम्मी की गाइस मेरी थोड़ी सी ना तबीयत खराब है तो आप लोगों ने उनके लिए दुआ करनी इसलिए वो थोड़ी डल हुई है तो चलो लेट्स गो तुम्हें नाश्ता पसंद आया बहुत अच्छा लगा ये कौन है पिंकी पिंकी पॉंकी राबी चाबी जो मेरे हस्बैंड है ना ये वायर मेरा वेट अरे दरवाजा खोला नहीं है अभी खुला है खुला हुआ नहीं था मेरा सब सामान आ गया गाड़ी में हां जी चलो यस चले चलो बस चलें जल्दी से तैयार हुए अब हम जल्दी से जाएं आप भी तैयार आप कैसे आप तो कपड़े लाए हो अपने पिंकी पिंकी पॉंकी बन के जा रहा अच्छा वैसे वो मेरे ड्रेस से ये मैचिंग कर रहा है ड्रेस लड़के सही है वैसे सुकून से जो भी पहने तैयार होते हैं और प्यारे सबसे वही लग रहे होते हैं लड़कियां बेचारी लुक्स जनरेट करने के बाद भी लग रहा होता है यार ये भी नहीं किया वो भी नहीं किया खैर अभी चलते हैं हम लोग सैलून में और वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं लास्ट चले जी गाइस मैं पहुँच चुकी हूँ सैलून अरीब साहब कॉल पर बिजी हैं मैं बाद में इनसे मिलूँगी चले जी सैलून पहुँच चुके हैं अब ये जो मेरे बाल है ना ये इस वक्त बहुत रफ हुए हैं बस अब सुकून करने आई हूँ यहाँ पर ये लोग मेरे बाल बाल वॉश करवाएंगे और उसके बाद मेरी स्टाइलिंग होगी मेरा मेकअप होगा मैं ड्रेस चेंज करूंगी टाइम मेरे पास कम है अरीब साहब बार वेट कर रहे हैं
हेलो हेलो दूर से करके आ गई हूँ मैं। चलो जी गाइस मैं हो गई हूँ तैयार, लेकिन अभी मेरे सर पे इन लोगों ने बांध दिए हैं कोई 3-4 कंघे के, ये कर्ल डालने के काम आएंगे। अब देखते हैं, फिर फाइनल लुक आपको दिखाऊंगी। अभी फिलहाल हम यहाँ पे बाल छाल मेकअप हमारा हो गया, सिर्फ बाल हैं, कपड़े पहनी हैं, बाकी चेंज चेंज करके सेट होके फिर दिखाती हूँ। सो गाइस मैं हो चुकी थी तैयार और ये है मेरी फुल लुक। पता नहीं आज तो मैं सबसे ज्यादा अच्छी आज लग रही हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फील आ रही है। मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, मेरे बाल बड़े अच्छे बने, मेरा ड्रेस बहुत अच्छा है, मेरा बैग बहुत अच्छा है। मेरे हस्बैंड ने मेरा कीमा कर देना क्योंकि पिछले 3 घंटे से उसको नीचे उठा के मैं वेट करा रही हूँ, मुझे कॉल पे कॉल और मैंने कॉल पिक नहीं किया। अभी हम चलते हैं और उनसे जरा माफी माजरत करते हैं, फिर क्योंकि लड़कियां इतना टाइम तो लगाती हैं, ऊपर से तैयार हो जो फिर पिक्चर ना खिंचवाएं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी चलते हैं, लेट्स गो होते हैं। मैं हो रही हूँ लेट, तो वो देखे नीचे गाड़ी पे बेचारा 3 घंटे से क्योंकि तीला हो गया। गाइस मेरा मेकअप शेकअप हो गया था और मैंने 3 घंटे अरीब को करवाया है वेट, और अरीब साहब ने गाड़ी में खूब नींद चींद पूरी की। अरीब नींद पूरी हो गई आपकी? नींद आ गई थी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं कब से वेट कर रहा था, इतना टाइम लगाया तुमने। वैसे कोई बात नहीं बेटा, याद रखूंगा मैं। मैं भी याद रखूंगी। मैंने क्या गाड़ी में कुछ खाया, मुझे खुशबू आ रही है, बर्गर खा लिया मैंने। और मेरे लिए? मेरे लिए अब जाके खाएंगे ना, सब वेट कर रहे हैं, कब से आने वाले, घर वाले लेने आ रहे हैं। अच्छा तो आपको मैंने कहा था कि आप खेलने चले जाएं, क्योंकि 3 घंटे कौन सैलून के बाहर, लड़की जब सैलून जाती है तो वेट नहीं किया जाता। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था ना। हाँ ये बात होना चाहिए, तो ये अब आइंदा मैं आखिरी भी होना चाहिए। 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन अल्लाह माफ करे इतना टाइम। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर, कोई खास ही लेट हो गए यार। तो चलो मेरी बहन ने कहा ना ये तो आज अनोखी तैयार हो गई है, लाल चूड़े पहन के। ओह माय गॉड ज्यादा ही तैयार हो गई हूं। आ गई हो तो तुम लोग, ये क्या मेरे गिफ्ट्स क्यों पकड़े हुए हैं? ये तुम्हारे, ये हमारे हैं, मेरे हैं, ये भाई के सलोन भाई ने गिफ्ट दिए। यार मुझे नहीं दिए, मुझे भी दे दो यार। मुझे 2 डब्बे ये दे दो, 3 डब्बे 3 चॉकलेट। अच्छा अच्छा बिस्किट निकाल के तुमको ही दे दे। हाँ ये सब मुझे दे। तुम लोग तैयार क्यों नहीं हुई हो यार? हमारा मुकलावा मुकलावा आपका है। राबिया अभी 4 दिन तैयार होकर मैं थक गई हूँ, बस हो गया। मैं कैसी लग रही हूँ मुझे ये बताओ? अच्छी। ये बाहर वो लोग आने वाले हैं, मेरी सारी बहनें ऐसे अफरा तफरी में काम से लगी हैं। एक तो देखो ना जरा, ये सिर्फ बच्चों का पेट पूजा कराएगी, जो है वो बड़ों का डिपार्टमेंट संभालेगी, मम्मी जो है वो रेस्ट का डिपार्टमेंट संभालेंगी, जैनब जो है वो एवं बस डांस करूंगी। मैं सब असली में जा रही हूँ। अब मैं आपके पास आ जाऊंगी। राबिया तुम भी कुछ जिंदगी में काम कर लो, पहने जा रही ना ताकि तो लुक तो लगे। लुक लुक देखो जरा, सारी सोई पड़ी अब उठियां ऐसे हेरा के अलावा, सिर्फ हीरा मेरी बहन ने मुझे नाश्ता परोसा, बाकी सारी बहनें घोड़े बेच के सेल करके प्रॉफिट कमा के सोई हुई थी। चलें जी वहाँ पे सारे मेरी फैमिली आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है, और बाकी मेरी बहनें गई हैं बाहर रिसीव करने के लिए। अरीब उधर बैठे ना सामने, ये हेलो बेबी, बेबी को भी मिल गई है चॉकलेट, ये इधर भी चॉकलेट, और इधर देखो है बड़ों को भी चॉकलेट, और इस काके को भी मिल गई है चॉकलेट। बच्चों की तो मौजें हो गई हैं भाई, आप लोग चाय पिए ना पिए, काको ने अल्लाह जी साथ लिपस्टिक लगा कर आए। मैंने भरी की अभी। ये कौन है? ये बिल्ली बेबी है, होल्ड हो गई है, ग्रैब हो गई और चॉकलेट ठूसने में मसरूफ है। किलो उसकी चॉकलेट? ये मीना, मुझे पता है ना, नहीं देता, बड़ा चालाक है। अब उस पर तशद्दुद हो रहा जो हिरा ना, वो किचन में पता नहीं क्या कार्रवाइयां कर रही है, बड़ी बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रही है वो, जो मैंने जिंदगी में नहीं कभी पूरी किया। चली गई, मैंने किचन में जाना ही नहीं। मेरी अम्मी ने वाकई मेरी भाई बहनों को काम पे लगा दिया है, वो सारी काम पे लगी हुई है। दो प्लेटें उठाती है और कहती मैं काम कर रही हूँ। चलो ये देखे मेरी बहन कैसे होटलों के वाली चाय नहीं होती जैसे बनाते हैं, चिप्स बिस्किट हलवा शलवा, वो हलवा ये हलवाई जी, ये टेबल लग रहा है और पापा अखरोट तोड़ रहे हैं फुल धड़ा दे, पापा से ही मुशक्कतें लगे हुए करने, और ये कितना वो मानो चप लेके आओ। चलो सारी चीजें लेकर आ रही हो आप, सारी एफर्ट इसने की हुई है। औरतों को खिलाते हैं, दिमाग तेज होता है, जितना दिमाग औरतों के पास होता है के पास उसका 10% भी नहीं होता। और तो इसलिए खाना है कि हमारा ना खराब करें। लगे उनकी मम्मा गुरी डाले, मम्मा क्या थोड़ी तबीयत खराब है, मम्मा गुरी डाले पापा को औरतों के उस तरह बोल रहे हैं। चलो मम्मी ख्याल रखो मैं जा रही हूँ, ठीक है? मम्मी कह रही है ओके ओके, कह रही जा चल जा ओके, ऐसे नहीं कहती, कितने चलाक हो, चल जा, अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, मेरी चीजें मुझे दे दो। आई ये कौन है? अमीना।
यार ये मेरा डायलॉग इतना हिट हो गया, ओ माय गॉड मम्मी ने ऐसा। चलो ओके राबिया बाय बाय। जा रही हो? हाँ ओके बाय बाय। आते जाते कल तुम लोग आ जाओ टपक पड़ना। पापा के पास में शूज देखो हमारे लेके जा रही है। पता है उसको, पता है मैं लेके जा रही हूँ, उसको पता है मैं लेके जा रही हूँ। मैंने भी पहने थे शूज चलाए तो आके शूज तो मैंने निकाल देने, तुम्हारे बाल तो मैंने जुड़ा देने हैं। तुम्हारे कल के लिए अभी ठीक हो जाए। अभी ठीक हो जाए। अच्छा और क्या रह गया मेरा मेकअप रिमूवर रह गया तो इधर ही है घर। सिर्फ वो तो मुझे पता है रिमूवर नहीं मिल रहा, सिर्फ ले जाओ देख ठीक है। और कॉटन अच्छा टिश्यू है वैसे वहाँ पे ना चीजें हैं। जाके आराम से ग्रोसरी करने जाना, जो जो चीजें नहीं है जाके परचेज कर ठीक है। और मेरी मेकअप किट मेरा हाँ? सारा मेकअप वापस देके जाओ, उस पे नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा मम्मा वो दूसरे पार्सल है, वो है मेरे ही लेकिन वो दूसरे पार्सल है, वो भी ले जाऊंगी। अभी आप चाह रही है मैं गाड़ी जाके भर लूँ, आधा सामान ले गई, बहुत ही सामान है। अब पापा के देना है ओके अल्लाह हाफिज। ओके जी चले जेरी मम्मी से मार कर दिया। हाँ शादी के खाने ने मार कर दिया। हाँ रो रो के आधी हो गई है। चलो जी ठंड बहुत ज्यादा हो गई है, मेरी शॉल वगैरह पड़ी हुई है। आ रही हूँ मैं भी साथ ही जा रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज। चलो अब लेट्स गो होते हैं और घर जाके अपना सामान निकालूंगी, इतने काम है। अब तो मेरे ऐसे लग रहा है कि मैं ना परेशान हो रही हूँ क्योंकि मैंने सेटिंग करनी है सारी, कपड़े शपड़े सारे सेट करके रखूँ। अभी तो नया नया ना सब, तो जाके आपको दिखाते हैं अभी। लेट्स गो गाइस, हम लोग पहुँच गए हैं घर। ओए तेरी खैर। सामान वगैरह अरीफ साहब अंदर शिफ्ट करेंगे लेकिन अभी नहीं करेंगे, अभी अब थके हुए हो के अभी भिजवा रहे हो। ओके चले मैं अंदर जा रही हूँ। चले जी गाइज मैं पहुंच चुकी थी अपने कमरे में, मैं आपको दिखा दूं मेरे कमरे की इस वक्त क्या सूरत हाल है। ये देखें सारे गिफ्ट से भरे पड़े हैं, गिफ्ट से भरे पड़े हैं ठीक है। ये चीज़ें ये सारी मैंने अनबॉक्सिंग करनी है इनकी, और अभी मैंने अपनी चूड़ियाँ शूड़ियाँ रखी हैं, दुपट्टा शुपट्टा तय करके रखा है, और अभी मैं अपना मेकअप शेकअप रिमूव करूँगी और फिर हम जाएंगे। सो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ब्लॉग आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी अगले ब्लॉग में, और अगले ब्लॉग में मैं क्या करने वाली हूँ इनकी अनबॉक्सिंग। आपको सारे गिफ्ट्स दिखाऊंगी कि मुझे मेरे इन-लॉज की तरफ से क्या गिफ्ट्स मिले हैं, मुझे फ्रेंड्स जितने भी वहां पे आए थे क्या मिले, और कितनी सलामियां इकट्ठी हुई हैं बारात और वलीमे पे, ये सारी चीजें आपको मैं दिखाऊंगी ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। स्टे कनेक्टेड विद सिस्ट्रोलॉजी। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।